स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के 51 नगरीय निकायों में हुए चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। कांग्रेस की बढ़त जारी है। 151 नगरीय निकायों के 2,840 वार्डो में कांग्रेस 750 से ज्यादा वार्डो में जीत चुकी है या बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी भी तकरीबन 650 वार्डो में जीत चुकी है या फिर आगे चल रही है। और आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, कहीं पर भी परिणाम आ भी चुके हैं तो कहीं पर अभी भी जो गिनती है वो चल रही है। और आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस ने उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी की जो कहा जा रहा था कि जो उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को देखकर वहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से बीजेपी को बहुत हल्के में लेके चल रही थी कांग्रेस और कहा जा रहा था कि इस उपचुनाव और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है और साथ ही साथ एक यहां पर फैक्टर और उभर के आया है, जो निर्दलीय थे उन्होंने भी कुछ कमाल कम नहीं करके दिखाया, तो इस वक्त अपडेट क्या है और कहां कहां जो उम्मीद थी बीजेपी की वहां बीजेपी ने मार खाई है और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है? देखिए, रायपुर के अगर 70 वार्डों की मैं बात करूं तो अभी भी कांटे का मुकाबला हर एक वार्ड में चल रहा है, लेकिन अब परिणाम आने लगे हैं और लगातार प्रत्याशी जीतकर यहाँ जो मतगणना स्थल से उससे बाहर आ रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो अब जीतकर बाहर निकल रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों से हम बात भी करेंगे और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लगातार प्रत्याशी यहाँ से जीत कर निकल कर आए, लेकिन सबसे निर्णायक भूमिका, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे निर्णायक भूमिका जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो निभाते नजर आएंगे, क्योंकि नगर निगम रायपुर की बात की जाए तो 70 वार्ड हैं और 70 वार्ड में कांटे का मुकाबला अभी चल रहा है, बराबरी पर भाजपा और कांग्रेस हो, ऐसे में निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है। हमारे साथ श्री कुमार मेनन हैं जो रामकृष्ण परमहंस वार्ड से चुनाव जीत कर आए हैं और लगातार पार्षद का चुनाव वो जीत रहे हैं। हालांकि चारों बार सीट बदलना पड़ा। क्या कारण ऐसा है कि बार बार सीट बदलती है और वहीं से आप जीत कर आ जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि बदलना मजबूरी में पड़ता है, क्योंकि वार्ड आरक्षित हो जाता है, महिला हो जाता है, कभी अन्य कारणों से हो जाता है, तो इसके कारण बदलना पड़ता है। तो कोई नहीं चाहता कि जिस वार्ड में 5 साल मेहनत करे उस वार्ड को बदले, लेकिन उसके बाद भी एक चैलेंज होता है। जिस वार्ड में भी काम करने का मौका मिलता है उस वार्ड में मेहनत करके, लोगों की सेवा करके, जो उनकी समस्या उनको दूर करके, वार्ड को एक आदर्श वार्ड में स्थापित करने का जो मेरा लक्ष्य रहता है वो मैं पा लेता हूँ। यही मेरी अपनी एक प्राथमिकता रहती है, इसी के लिए मैं लगा रहता हूँ। पूरे चुनाव में क्या मुद्दे रहे आपकी नजरों में जिसके बदौलत आपने जीत दर्ज की है, और क्या लगता है बहुमत कांग्रेस का आ पाएगा, क्योंकि कांटे का मुकाबला अभी भी चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से बहुमत कांग्रेस का आएगा, कांग्रेस के ज्यादातर लोग जीत के आएंगे। कांग्रेस अभी भी आगे है और कांग्रेस आने वाले कुछ समय में और लीड बढ़ने वाली है। रही बात प्राथमिकताओं की, तो प्राथमिकताएं जनसमस्याएं हैं, लोगों के बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें नहीं रहती है, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, यही सब चीजें होती है, और इन मामलों में ही हमको सजग रहना है। और मैं विशेष रूप से इस मामले में सजग रहता हूँ। मैं खुद, मेरा रूटीन रहता है कि वार्ड के अंदर में कम से कम रोज सवेरे से लेकर घूमूं, साइकिल में घूमूं, लोगों के बीच में जाऊं, उनकी समस्याओं को देखूं, उन समस्याओं को डे टू डे अफेयर में निदान कर सकूं, यही मेरा अपना प्रयास रहता है। तो देखिए दीपक, कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार रायपुर नगर निगम में किसको बहुमत मिला, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो कांटे का मुकाबला चल रहा है। किसी भी कभी कांग्रेस आगे हो रही है वार्डों में तो कभी भाजपा आगे हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 7 निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से आगे चल रहे हैं। कईयों ने जीत दर्ज की है, जिसमें से वार्ड क्रमांक 39 भी है, आत्मानंद वार्ड, वहां पर अमर बंसल है निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने भाजपा के जो प्रत्याशी ओमकार बैस उनको हराया। ओमकार बैस त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस के भतीजे हैं। एक बड़ी जीत दर्ज वहां पर अमर बंसल ने की है, तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ी भूमिका में है, न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश की बात की जाए तो उनको बढ़त हासिल हुई है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अहमद आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो मतगणना हो रही है उस पर नजर बनाए रखिएगा, हम पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे संतुष्ट नहीं है।